स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है लच्छी चौहान और मेरे YouTube चैनल का नाम है लच्छी चौहान देहरादून। ये 11:30 बज रही है और मैं तैयार हो रखी हूँ। मैं जा रही हूँ अपने भगवती माँ के मंदिर में। मैंने जो है आज 60 का व्रत ले रखा है। 60 यानी कि जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे ही जो है ये 60 का व्रत भी होता है। जो मैं बना रही हूँ ये मैं अपने गाँव ढूंढार से बना रही हूँ। मैं जो है कल भिंडार गांव आ गई हूँ और आज जो है हमारे भिंडार गांव में पहला दिन है माँ भगवती की पूजा का। जो है हमारे जो नंदा माता के जो फुलारी हैं वो ब्रह्म कमल लेने के लिए हेमकुंड जाते हैं और हम सभी लेडीज़ों ने भी 60 का व्रत रखा हुआ है। और 60 का व्रत यानी कि जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे जो है ये 60 का व्रत भी होता है। करवा चौथ में इतना ही फ़र्क है कि करवा चौथ का व्रत जो है हम चंदा मामा को देख के तोड़ते हैं और 60 का व्रत ये है कि हम गणेश जी की पूजा करते हैं और कम से कम जो है हमें एक बज जाएगी गणेश जी की पूजा करेंगे और सभी लोगों का जो है 60 का व्रत पूरा हो जाएगा। सेम जो है जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे जो है हमारे 60 का व्रत भी होता है। अभी जो है हमारी तैयारी हो रखी है भगवती माँ के मंदिर में जाने की। ये जो है मंदिर का रास्ता है और अभी हम सब लोग जो है तैयार हो रखे हैं पीली साड़ी में और मैंने भी जो है पीली साड़ी पहन रखी है। हम सब लोग जो है मंदिर में जा रहे हैं और आप लोगों को भी मैं मंदिर दिखा देती हूँ और जो 60 का व्रत होगा वो भी दिखाऊँगी। ये है हमारा माँ भगवती जी का मंदिर है। ये जो है एक अच्छी सी जगह पे बन रखा है जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ उसका सारा बैकग्राउंड। ये है मंदिर के अंदर का जहाँ हमारी माँ भगवती जी का मंदिर है। आप लोगों को जो है माँ भगवती के जी के दर्शन करा देती हूँ। ये हमारा मंदिर है। ये मंदिर का अंदर का सीन है ये। और यहाँ पे जो है हमारी लेडीजें जो है तावला बजा रही है और गणेश जी भी बना रही है। हमारा पूरा भिंडार गांव और यहाँ पे जो है सारे लेडीजें तैयार हो रखी है। यहाँ पे जो है हमारी जो है सारी लेडीज 60 पूजा करेगी। आज 60 का व्रत है और हम सारी आज हमारी पूजा हो रही है। ये हमारी पूरी लच्छी सारे अपने गांव में तैयार हो रही है। ब्लॉक कर हमारे गांव के दो देखो यहां पे जो है गणेश जी की पूजा शुरू होने वाली है और यहां पे सभी लोगों ने जो है गोबर के गणेश बना रखे हैं। सभी लेडीज ने मैं होना पहन फूल ले यू गोरी बढ़िया हुई ना दियो भी है दियो। ये जो है सारे लेडीज बिल्कुल पीली साड़ी में तैयार हो रखी है और इनका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी जो है बहुत अच्छा है। ये गांव ये मंदिर जो है हमारा बिल्कुल पूरे ही घनघोर जंगल के बीच में है। बहुत शांत माहौल में है। आप लोगों को भी दिखा देती हूँ ये मंदिर। मिठाई पूजन शुरू हो गई है। सारी लेडीजें जो यहाँ पे गणेश ये पूजा आई है बिना सारे लेडीजें जो है अपनी अच्छे से पोजीशन में अच्छे से बिल्कुल मार के अपने पोज में और गणेश जी की पूजा कर रही है। और इनका जो 60 का व्रत था ना वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इनका मतलब जैसे ही गणेश जी की पूजा हो जाएगी ना वैसे इनका जो है 60 का व्रत टूट जाएगा। अब जो है सभी लोगों ने पूजा कर दिया है। कई लोग तो मिठाई लगा रहे हैं तो इसके बाद जो है इनका जो है जो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रखा है वो वितरण होगा और इनका व्रत जो है पूरा हो जाएगा। देखिए जो है पूजा तो समाप्त हो गई है लेकिन इसमें भी जो है लेडीजें जो है मांगलिक गीत के साथ जो है गणेश जी को पूजते हैं मांगल के साथ सारी लेडीजें। बहुत अच्छा लगता है। जो गांव की परंपरा है संस्कृति है वो अभी भी जो है विराजमान है। और हम जो है जो गणेश की पूजा करते हैं ना तो अपनी मांगल गीतों के साथ ही शुरू करते हैं। सभी लोगों ने पूछ दिया है। अब जो है सारे लोग जो है सब तो अब
मैं वीडियो बना रही हूँ सभी लेडीज की। यहाँ पे जो है सेम लेडीज ने जो है अपना 60 कपड़ा जो है पूरा कर दिया है और अब जो है इसके बाद जो है सारी लेडीजें प्रसाद ग्रहण करेगी और सभी लोग जो है मंदिर में इतने खुश हैं। मौसम भी इतना साफ हो रखा है, नीट एंड क्लीन हो रखा है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है आज और सभी लोग जो है मंदिर में लगे हुए हैं। बाद जो है हमारे साथ जो हमारी दीदी लोग हैं ये जो है झूमेले के लिए तैयार हो रखी है और झूमेला भी ज़रूरी है इस पूजा में। और ये जो है ये हमारा कल्चरल है जो ये लेडीज हमें दिखा रही है, ये हमारा संस्कृति है, कल्चरल है और हम लोग जो है इसे अपने ही लैंग्वेज में अपने ही मतलब स्टेप में दिखा रहे हैं। खाने के बाद जो है हमारे फुलवारी जो है ये ब्रह्म कमल लेने के लिए हेमकुंड जा रहे हैं और सब रेडी हो चुके हैं। जानते समय जो है सारी लेडीजें जो है यहाँ पे पूरी बना रही है, ये हमारे गांव की परंपरा है, सोनी दीदी भी बता रही है और हमें भी पता है। यहाँ पे जो है सारी लेडीजें देखो पूरी बना रही है और यहाँ तो रात की 8 बज चुकी है और हम सब जो है मंदिर परिसर में जो है भजन कीर्तन के लिए आ रखे हैं। अभी सिर्फ हम ही आ रखे हैं। अभी हम जो है माइक पे जो है अनाउंस कर देते हैं कि सभी महिलाएं जो है जल्दी से जल्दी मंदिर परिसर में आ जाएं क्योंकि हमें अखंड कीर्तन भजन भी करना है और टाइम आगे निकलता जा रहा है। और जो भजन हम कीर्तन करते हैं वो मैं अब आप लोगों को दिखा दूँगी कि हम जो है मंदिर में आके हमने जो है अखंड कीर्तन भजन किया है। का डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से कर रखा है सभी भाइयों ने। ये देखो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मंदिर परिसर जो है मंदिर हमारे जो है एक अच्छे से स्थान पे बना हुआ है। इसका जो बैकग्राउंड है ना ये बहुत अच्छा है और इसको सजाने वालों ने भी इसे बड़े प्यार और चाव से सजा रखा है। रात हो चुकी है और सब लोग जो है अपने अपने नृत्य में जो है मस्त होके जो है डांस कर रहे हैं।
करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।